भारत और चीन, इसके बारे में हम न्यूज़ में तो अक्सर देखते हैं, पर नज़दीक से भारत और चीन की सीमा रेखा कैसी दिखती है? चीन के सैनिक किस रंग की यूनिफॉर्म पहनते हैं? क्या भारत के सैनिक और चीन के सैनिक आसपास होते हुए एक दूसरे से मित्रता से बात करते हैं? क्या आपने कभी नज़दीक से भारत और चीन की सीमा रेखा देखी है? हेलो माय कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की ट्रैवल ब्लॉग में मैं आपको लेके चल रही हूँ अरुणाचल प्रदेश के तवांग से दूर 15,000 फीट की ऊंचाई पर बुमला पास, जो कि है भारत और चीन की सीमा रेखा यानी कि LAC। और यहाँ से मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगी और आपको इतनी सारी जानकारी भी दूंगी कि आपको ये ट्रैवल ब्लॉग देख करके बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए घुमाती हूँ मैं आपको भारत चीन के बॉर्डर पे। तो हम निकल गए गुवाहाटी से बाई रोड तवांग की तरफ। 10 से 12 घंटे का रास्ता है। यहाँ हम किलोमीटर नहीं काउंट कर सकते क्योंकि रास्ता जो है वो घाटी की तरह है और बहुत पतले रास्ते हैं, तो समय ज़्यादा लगता है किलोमीटर भले कम हो। तो हमें 13 घंटे लग गए वहाँ पहुँचने में। और चारों तरफ जो है जैसे जैसे ऊँचाई बढ़ती गई, हम एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी क्रॉस करते गए। दो पहाड़ियों को पुल से जोड़ा गया है और दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे रास्ते भर हमने याक को देखा और हमें पता चला कि याक के ही दूध का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, चाहे वो घी के रूप में हो चाहे फिर पनीर के रूप में हो। चारों तरफ झील भरी हुई है, बर्फ़, घाटी, नदी, पहाड़, मतलब इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हमारी ये जिज्ञासा और बढ़ने लगी कि हम कब भारत और चीन की सीमा रेखा को देखें। और रास्ते भर हमने कई तरह की कहानियाँ भी सुनी, जैसे कि तवांग के बारे में हमें पता चला कि 17वीं शताब्दी में तवांग का नामकरण हुआ और ये तवांग जो है ये बौद्ध मठ के नाम पर रखा गया। इसके बाद ये भी पता चला कि नॉर्थ इंडिया में घूमने लायक सबसे खूबसूरत जगह अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन अगर घूमना है तो अप्रैल, मई, जून और लास्ट में फिर अक्टूबर, नवम्बर में यहाँ ज़रूर घूमना चाहिए। और यहाँ पे पहुँचने के लिए और भारत चीन सीमा रेखा को देखने के लिए आपको पास बनवाना पड़ेगा। पास आपको मिलेगा तेजपुर से, जहाँ पे आपको आधार कार्ड और अब एक नया रूल है कि आपको कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो हमने ये सारे प्रोसेस पहले ही कर लिए थे और ये बेस्ट महीना था तो हम यहाँ पर घूमने के लिए गए और हमारा पूरा पैसा वसूल हुआ। अब आप ये देख सकते हैं ये घाटी कितनी संकरी है, नीचे देखिएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि कब अचानक से सामने आपकी गाड़ी के बादल आ जाए आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा। कहीं पे एकदम खुले बादल मिल रहे थे और कहीं पूरे घने बादल, बारिश हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, तो गाड़ी बहुत ही नॉर्मल स्पीड में हमने रखी और हम बहुत ही नॉर्मल स्पीड से 13 घंटे की ब्रेक जर्नी कर करके तवांग पहुँचे। और उसके बाद हम निकले वहाँ से देखने के लिए भारत चीन सीमा रेखा। तो अगर आपको जाना है तो गुवाहाटी आप पहुंच सकते हैं और वहां से बाई रोड निकलिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो बाइक से भी निकले थे और चारों तरफ आपको झील ही झील दिखेगी, कई जगह तो झील का पानी जमा हुआ दिखेगा और स्नो जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ऊँचाई की तरफ आप बढ़िएगा, स्नो का जो डेंसिटी है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। बहुत मज़ा आएगा आपको स्नोफॉल में। बच्चे के साथ अगर जा रहे हैं तो इस गोले खेलिए, बर्फ़ के गोले बना करके खेलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म और ट्रैवल है ना, वो बेसिकली पूरा आर्मी जो है वो आर्मी बेस्ड है। अरुणाचल प्रदेश को रन करने में वहाँ की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान जो है वो आर्मी वालों का है। तो हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको आर्मी का बेस दिखेगा। मैं आपको इस ट्रैवल ब्लॉग में आगे दिखाऊँगी सारे आर्मी बेस, इग्लू दिखाऊंगी कि ओरिजिनल में इग्लू कैसा होता है, और फिर मैं दिखाऊंगी आपको भारत चीन की सीमा रेखा और किस तरह से, किस प्रोसेस से वो दिखाते हैं और कैसे कहानियां बताते हैं भारत और चीन के युद्ध के बारे में, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। पहले तो आप ये नज़ारे देख लीजिए क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिल पाता है और चाह के भी हम हर कोई यहाँ पर जा नहीं पाता है, तो ये नज़ारे को मिस मत करिएगा और देखिए। इसमें आपको स्नो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा और देखते देखते वीडियो के नीचे लाइक बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा अगर आपको ये नज़ारे अच्छे लग रहे हैं, पहाड़, झील, बर्फ़ और पूरा प्रकृति से भरपूर। और अब हम पहुंचने वाले हैं भारत चीन बॉर्डर लाइन पे। तो वहाँ पहुँचने से पहले आपको क्रॉस करना होता है सैला पास। सैला पास में बहुत ज़्यादा कुहासा होता है और आर्मी का बेस है सैला पास में। ये पूरा आप देखिए, ये आर्मी बेस है, इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ चेकिंग होती है और उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाते हैं।
और फिर हम पहुंच गए बुमला। इस जगह का नाम है बुमला। यहाँ पे इस तरह से एक हॉल बनाया गया है जहाँ से 25 से 30 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। हर ग्रुप का नाम रखा जाता है और एक एक करके एक एक ग्रुप को बॉर्डर पे ले जाया जाता है। तो हमारे भी ग्रुप का नाम रखा गया और यहाँ पर रेंट पे आपको गर्म कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि आप अपने पूरे कपड़े ले करके जाइए, गर्म वाले ग्लव्स ले लीजिएगा, शूज़ ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। और ये आर्मी बेस और यहाँ पर फोटोग्राफी मना है, तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही यहाँ पे क्लिप्स लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो रास्ता है यहाँ से ग्रुप जाते हैं 25 से 30 लोगों का, कैमरा अलाउड नहीं है, और वहाँ पर आर्मी वाले जो हैं वो हमारा वेट करते हैं और हमें पूरी कहानी सुनाते हैं, जैसे उन्होंने कहानी सुनाई कैप्टन जोगिंदर सिंह की। कैप्टन जोगिंदर सिंह की पूरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी। जो मैंने आपको दिखाया वही थे भारत चीन की सीमा, और भारत चीन की सीमा पे जो चीन के 3 सिपाही वहाँ में दिखे जिन्होंने व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहना था, क्योंकि चीन में स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल के अकॉर्डिंग, और ये वापस लौटते समय इग्नू बनाया गया जहाँ पे लोग फोटो सेशन कराते हैं, इससे आगे फोटो सेशन अलाउड नहीं है। और हमारे आर्मी वाले 3 और उनके आर्मी वाले 3 बीच में बॉर्डर लाइन थी, और हमारे आर्मी वालों ने हमें पूरी कहानी सुनाई, भारत चीन जो 1962 में युद्ध हुआ था उसके बारे में पूरी कहानी सुनाई, और बहुत ही इमोशनल हो गए थे हम सभी, और हमने सब ने मिल के साथ में उन्हें जय हिंद कहा। ये देखिए, ये पूरा बुमला पास है भारत चीन सीमा रेखा, और अब हम वहाँ से निकल गए। अब हम कहाँ निकले, उनको देखने के लिए, उनके स्मारक को देखने के लिए, जिनकी पूरी कहानी हम सुनने के बाद इमोशनल हो गए। वो हैं कैप्टन जोगिंदर सिंह, जिनकी कहानी सुनने के बाद आप भी इमोशनल हो जाइएगा, और इस वीडियो के नीचे एक बार जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ उनके स्मारक पर। हेलो माय कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश में बुमला, और ये है भारत चीन का बॉर्डर लाइन है, और यहाँ पर हम हैं कैप्टन जोगिंदर सिंह के स्मारक पे। कैप्टन जोगिंदर सिंह कौन थे, उनकी क्या कहानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और आपको इस कहानी को सुनने के बाद सच्ची श्रद्धांजलि देने का मन होगा कैप्टन जोगिंदर सिंह को। तो चलिए मैं आपको घुमाती हूँ यहाँ पे कैप्टन जोगिंदर सिंह के बारे में, और सारी कहानी बताऊंगी। इस ट्रैवल ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और जय हिंद करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, खासकर कैप्टन जोगिंदर सिंह की कहानी को पूरी सुनने के बाद। ये है कैप्टन जोगिंदर सिंह मेमोरियल, स्मारक उनके नाम पे बनाया गया है, और इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि हमें पता चला कि जब भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय कैप्टन जोगिंदर सिंह के दस्ते में 22 लोग थे और चीन से 400 के लोग सिपाही थे, और ये 22 लोग जो हैं वो 300-400 सिपाहियों से लड़े, और कैप्टन जोगिंदर सिंह को 18 या 20 गोली लगी थी और उसके बाद भी वो ज़िंदा थे, और चीन के सैनिक उन्हें उठा करके ले गए। 20 दिन अपने देश में रखा, जहाँ पर कैप्टन जोगिंदर सिंह ने एक भी दाना वहाँ का नहीं खाया, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और जब उनकी बेटी को ये खबर मिली तो उनकी बेटी की भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ये सुनने के बाद हम बहुत ही वो हो गए थे, और वहाँ पे हमने उनके दर्शन किए स्मारक पे, और उसके बाद लौटते समय हमने थोड़ी सी बर्फबारी में खेलकूद की, बच्चे को बहुत पसंद आया यहाँ का स्नोफॉल, और अगर आप फुल फैमिली ट्रिप मारते हैं यहाँ पे तो आप भी बहुत इन्जॉय करिएगा। बस ध्यान रहे कि सैला पास पार करने के लिए आपको तेजपुर से पहले से पास बनवा लेना है, दूसरा कि आपको सारे गर्म कपड़े लेकर के जाने हैं, तीसरा कि यहाँ जो है वो आर्मी बेस है तो आपको गेस्ट हाउस और होटल का अरेंजमेंट सब पहले से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी बेस ज़्यादा है, तो उसकी तवांग में आपको वहाँ पर सारी अरेंजमेंट करनी होगी। तो आपको ये ट्रैवल ब्लॉग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ ढेर सारी आपको ट्रैवल ब्लॉग मिल जाएगी अगर आप घूमने फिरने और ऐसी यूनिक जगह के देखने के शौकीन और उसके बारे में जानने के शौकीन हैं, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।